सो गाइस हैकर्स टोकन इवेंट आ चुका है हमारे फ्री फायर में, चल के जल्दी से देख लेते हैं। तो ये हैकर्स टोर जो मेरा फेवरेट इवेंट है, क्योंकि इसमें गन स्किन जो है परमानेंट मिल जाती है। तो जो क्यूपिड्स कार थी वो भी मैंने यहीं से परमानेंट निकाली थी, और M4A1 की जो वैनम वाली स्किन है वो भी यहीं से निकाली थी। लेकिन इस बार कुछ अच्छी गन स्किन्स नहीं दी है, तो इसलिए हम बंडल सेलेक्ट कर लेते हैं, जो मोटरसाइकिल वाला बंडल है, ठीक है। और दूसरे साइड में हम लोग नेम चेंज कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि रूप वो पेट और ये बाकी जो कैरेक्टर है मैं यूज़ नहीं करने वाला, क्योंकि जो पेट में है वो सबसे बेस्ट है वो बोरिंग पेट है, ठीक है। तो मैं बोरिंग पेट ही यूज़ करता हूँ, और कैरेक्टर्स तो कुछ काम के नहीं बाकी, तो हम लोग नेम चेंज कार्ड यूज़ कर लेते हैं। वैसे ये 9 डायमंड में तो कुछ मिलने नहीं वाला, जो मेन जो बंडल है वो आखिरी में ही मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास डायमंड्स तो अभी कम है, लेकिन अभी जो टॉपअप इवेंट है वो ख़त्म होने वाला है, यानी जो टॉपअप इवेंट आएगा उसमें हम टॉपअप करके जो मेल का बंडल है वो निकाल देंगे, ठीक है। देखते हैं अभी ट्राई करके, अगर मिल गया तो ठीक है, ठीक है। तो पहले इसमें हमको डायमंड और सेकंड इसमें वेपन रॉयल वॉच मिला है, फिर गोल्ड मिला है, तो गोल्ड 100% गोल्ड कार्ड और एक स्कैनर, अब नेम चेंज कार्ड मिलेगा। अब बंडल हमारा निकालने के लिए हमारे पास डायमंड्स नहीं है, ठीक है, तो हमको टॉपअप करना पड़ेगा, लेकिन हम वो अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अब बाद में टॉपअप करके बंडल निकाल लेंगे और फिर बाद में दिखा देंगे, ठीक है। तो बाकी और भी इवेंट्स चल रहे हैं, जैसे FF कप जो इवेंट है वो भी चल रहा है, मतलब शुरू होने वाला है। पिछली बार भी एक FF कप इवेंट आया था, जिसमें आपको स्क्वाड बनानी पड़ती है और उसी परमानेंट स्क्वाड के साथ खेलना पड़ता है, तो उसके आपको पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपकी स्क्वाड मतलब टॉप में आएगी तो आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बैचेस या वेपन रॉयल वॉचेस वगैरह और डायमंड्स मिलते हैं, ठीक है। तो और कुछ इवेंट जो है, गन किंग मोड चालू होने वाला है 17 मई से, ठीक है। एक गन किंग मोड चालू होने वाला है, और जो न्यू लॉगिन इवेंट आया उसमें आपको M4A1 की स्किन मिल रही है, आइस ब्लू वाली, जिसमें डबल डैमेज है। और जो हैकर्स हो रहे हैं उसमें जो आपके पास जो स्किन पहले से परमानेंट होती है वो आपको नहीं दिखाई जाती, ठीक है। ये मेरे पास फ्लेम वाली एक थी, इसलिए मेरे को फ्लेम वाली एक नहीं दिखाई, और उसमें M1014 की दिखाई, जो कि मतलब उतनी अच्छी स्किन नहीं है, विंटर लेंस उससे ज़्यादा अच्छी है, जो कि फ्री में मिली थी। और जो अभी जो अपडेट हुआ था मेंटेनेंस ब्रेक में, तो उसके ऊपर कुछ सर्वे आया, तो अगर आप ये सर्वे देखोगे तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन दी है कि ग्लाइडर जो लैंक मोड में डाला है उसके बारे में आप अपना ओपिनियन दे सकते हो, और जो क्लैश कोड मोड है कार आ रही है उसके बारे में ओपिनियन दे सकते हो, उसमें जो प्राइस इंक्रीज हुआ है ग्लोबल का वो सब आप इसमें ओपिनियन दे सकते हो, जो कि आप ये करीना वाले रिव्यू करेंगे और उसके बाद इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो क्लैश कोड मोड आपको क्लैश कोड मोड में रैंक में आपको कलारी मैप चाहिए तो वो रैंडमली आ सकता है, या फिर आप चूज़ करके भी जा सकते हो, तो वैसे कुछ इसमें क्वेश्चन है जिसमें आप कर सकते हो। और जो VIP इवेंट था, जो कि बीच में नहीं चल रहा था, तो उसका एक आपको कंपेंसेशन मेल आया होगा जिसने जितने VIP इवेंट खरीदा होगा, ठीक है। तो उसमें आपको जो भी चीज़ें थी, जैसे लॉग इन इवेंट में जो आपको मिल रहा था पेट फूड और बैचेस, वो सब आप ऑटोमेटिकली आपके इसमें ऐड हो चुका है, ठीक है। और जो क्रेडिट मिलते थे उसको भी उन लोगों ने खुद से ओपन करके आपके अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में अगर उस बॉक्स में अगर इमोट वगैरह मिला होगा तो आपके अकाउंट में ऐड हो चुका होगा, ठीक है। तो ये VIP इवेंट का जो इन लोगों ने कंपनसेशन दे दिया है, और तो कुछ इवेंट नहीं चल रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में जब भी आएगा, तब तक के लिए बाय।